सोचो तुम सोच के उठ रहे हो मैं आज होटल जाऊंगा, पर अगर प्रारब्ध का खेल है हॉस्पिटल जाने का, होटल कैसे पहुंचोगे? जहां भगवान पहुंचाएगा। इसका मतलब जब कोई विचार चले, एक विचार दो अपने आप को जहां भगवान ले जाएगा, जो भगवान कराएगा। भगवान बोलते थे तुम पूरी, वो बोलते हो हम आलू बना के जा रहे हैं, आके पूरी तलेंगे खिलाएंगे सबको। अब क्या पता तुम घर पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, नाश्ता भी किसी के नसीब का है कि नहीं है पता नहीं। बोले और कुछ नहीं, तेरे आलू में छिपकली गिर जाए, खाने ही नहीं आज, फिर क्या करोगे? पर तुम सेटिंग करोगे, अभी ये किया अभी ये करूंगा। और गीता में स्पष्ट लिखा आसुरी संपदा का लक्षण, कल मैंने ये किया आज मैं ये करूंगा और कल आने वाले में ये करूंगा। भगवान कहते हैं आसुरी संपदा का लक्षण है, हैवानियत का लक्षण है, देवत्व का लक्षण नहीं है। क्योंकि दैविक पुरुष कहेगा मैं सर्व संकल्पों का त्यागी हूं, शरीर भी हुक्म की हवा से चलता है, अपने आप चलेगा। हम कौन है करने वाले? एक चित्त होके कभी ना सोचा कौन है करने हारा, वही सोच लो, एक विचार करके देख लो, आप होता प्यारे जो भी हो वनहार है। और हमारे अंदर थॉट परेड क्यों चलता है? क्योंकि हमारा कोई ना कोई स्वार्थ है, वो हमें मजबूर करता है सोचो और सोचो, फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा, और दृष्टा होके बैठो। ज्ञानी दृष्टा है, साक्षी है, देखने वाला। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, चल रहा है खेल, मूवी चल रही है। अभी भगवान ने बोला मूवी मूव हो रही है, सीन चेंज हो रही है, कल सीन दूसरी थी आज सीन दूसरी है, परिवर्तन संसार का नियम है, सब चल रहा है, गोइंग ऑन है खेल ये सारा, बहुत अच्छा है, चलने दो। जो हो रहा है जैसा हो रहा है बहुत अच्छा है। अगर आप अपने को इन्वॉल्व ना करो, आपको कोई बात दुख नहीं देगी, पर आपकी इन्वॉल्वमेंट के कारण आपका दुख शुरू होता है। मैं चाहता हूं दुख की शुरुआत हो, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, सब ठीक है, एक्सेप्टेड, हर चीज एक्सेप्ट हो रही है। जो आपको नहीं चाहिए उसको साइड कर दो, उसका चिंतन मत करो। जो आपको अच्छा लग रहा है ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर दो, इजी है। टफ बनाया हुआ है खेल है नहीं।